और सूद सर, इस पूरे मामले में आपको मुख्य रूप से अधिकारियों का दोष क्या नजर आता है? क्या यह समझा जाए कि पॉलिटिकल प्रेशर में उन्होंने किया, या फिर उनकी तरफ से भी कोई बड़ी चूक हुई है जो उनको नहीं करनी चाहिए एज एन ऑफिसर, एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर? देखिए, देखा जाए तो जो कुछ भी हुआ है ये पॉलिटिशियंस के अप्रूवल से, पॉलिटिशियंस के डायरेक्शन पे हुआ है। अब जहां पे भी, जैसे वहां पे डीजीपी बैठे हैं, सिद्धू के बड़े क्लोज थे, और डीजीपी या कोई लोग अपनी तरफ से ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। लेकिन कुछ हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बड़े एम्बिशियस होते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद गलतियां करते हैं जो उनको भुगतनी पड़ती हैं। और मैं सोचता हूँ इस केस के अंदर जो यहाँ के डीजीपी हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी हैं, इनको डायरेक्शन थी चन्नी को डायरेक्शन थी पीछे से। मैं सिंपल सी बात कहूंगा, जो चन्नी को डायरेक्शन थी, चन्नी में इतनी हिम्मत नहीं है अपने आप को ऐसा डिसीजन ले पाए। चन्नी को जो डायरेक्शंस थी वो थी कांग्रेस हाई कमांड की तरफ से, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें कॉन्स्पिरेसी है, और कॉन्स्पिरेसी के अंदर कांग्रेस की लीडरशिप वो इन्वॉल्व है, और ये इन्होंने जो काम किया है इसकी वजह से हमारे तो अभिनव जी बहुत ज्यादा। क्या ये माना जाए कि बोल चन्नी रहे लेकिन शब्द किसी और के? अभी उनका अनुभव कुछ ही दिनों का है, कुछ ही महीनों का है, मुख्यमंत्री की पद का पद और बहुत जिम्मेदारी भरा होता है, और वो प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह का संबोधन कर रहे थे वो अपने आप में हैरान कर रहा था। लोग भी सोच रहे थे कि अभी बने हैं मुख्यमंत्री और अभी से वो प्रधानमंत्री के लिए ऐसे बातें कह रहे हैं, ऐसे खुल के गोली तो नहीं लगी, पत्थर तो नहीं चला, कुछ हुआ तो नहीं, कुछ होता तो देखते। रवि जी देखिए, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि जांच जो कमेटी बनेगी या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला देना है, जो आज उसका उन्होंने फैसला सेफ रखा हुआ है, मेरे को एक बात नहीं समझ आ रही, हम उसका इंतजार नहीं कर रहे। हम एक चीज बार बार लोगों का परसेप्शन बनाने में, रवि आप भी देखिए, जब भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार की बात आ रही है, एक परसेप्शन बनाने की जो एक प्रक्रिया भाजपा की तरफ से चल रही है, क्यों नहीं आएगी? आप मुझे बताइए, जो लीडरशिप है उससे सवाल क्यों नहीं होगा? अगर चन्नी नहीं गंभीर है, अगर सिद्धू गंभीर नहीं है, अगर वो नहीं समझते अपनी जिम्मेदारी, तो उनको उनकी जिम्मेदारी समझाने का काम किसका है? क्या वो मोदी जी करेंगे, अमित शाह करेंगे, जेपी नड्डा करेंगे, या सोनिया, राहुल, प्रियंका करेंगे, कौन करेगा ये बताइए। जब प्रधानमंत्री 2018 में यूपी में फंसे थे ट्रैफिक जाम में, उन्होंने तो बोला नहीं मैं यूपी में अनसेफ हूँ, जब वो लाहौर एयरपोर्ट पे उतर गए थे उन्होंने तब नहीं बोला मैं अनसेफ हूँ। फिर वही बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बनारस में और बॉर्डर के 30 किलोमीटर के दायरे में अंतर होता है। हमारे साथ रॉ के ऑफिसर है, वो खुद ही बता देंगे। सर बताइए जरा, अगर उत्तर प्रदेश में कहीं ट्रैफिक में प्राइम मिनिस्टर फंसे और बॉर्डर के पास फंसे, तो वो कौन सा ज्यादा सेंसिटिव और सीरियस मैटर है, इनको बताइए। बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है, जो पंजाब में हुआ बड़ा सीरियस मैटर है। दूसरी बात है कि एक फंसना दूसरी बात है, एक कॉन्स्पिरेसी दूसरी बात है। जो अगर पहले कोई इंसिडेंट हुई वो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, यहाँ पे ओपन, मैंने पहली बार जब आपके टीवी चैनल पे आया था मैंने कहा ये कॉन्स्पिरेसी है। चलिए मनोज जी जो वो कह रहे हैं उस पर भी जल्दी से मैं रिएक्शन ले लूं, तो क्या अगर चन्नी और सिद्धू गंभीर नहीं है तो क्या मोदी, नड्डा, अमित शाह, इन सभी नेताओं की जिम्मेदारी है, सोनिया, राहुल की जिम्मेदारी है कि भाई उनको समझाएं, रोके, कम से कम बयानबाजी से तो बचते? आज देखिए उस पर जवाब देना मुश्किल हो रहा है। देखिए ऐसा है कि इस पर तो जांच होगी और निश्चित रूप से जो भी जांच में होगा साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थी, एक षड्यंत्र था, और ये केवल और केवल गांधी परिवार के निर्देश पर सब कुछ चल रहा था। यही कारण है कि चन्नी जी ने कहा कि मैंने अपना ब्रीफिंग प्रियंका वाड्रा को भेज दिया है, और जहां तक ये बोल रहे हैं, इन पर सवाल उठा रहे हैं कि वहां उत्तर प्रदेश में ऐसा चूक हुआ, मैं इनको बता देना चाहता हूं, राहुल गांधी के ऊपर अगर किसी ने पत्थर फेंका था और उनके काफिले पर, तो कितना हंगामा हो, जब एसपी जी हटाई गई थी तो कितना हंगामा कर रहे थे गांधी परिवार के लोग, क्योंकि चांदी की चम्मच। ठीक है, समय की कमी है, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सर्वोच्च अदालत पर सबकी नजरें रहेंगी, लेकिन इतना तो जरूर है कि इस पूरे मामले में जो कुछ भी हुआ उससे पंजाब में कांग्रेस की सरकार के सामने ही एक चुनौती हो गई कि वो इसका जवाब क्या देंगे, और कल को अगर इस पर कोई बड़ी कार्रवाई हो जाती है तो फिर आने वाले समय में चुनाव तक ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। सभी पार्टियों ने ये संकेत दे दिए, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो अकाली दल हो, और बीजेपी तो कन्फ्रंट कर ही रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।